हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पुंडिचेरी T10 ओमेन सीरीज के जो मैच खेला जाने वाला है दोस्तों, एंजल ओमेन वर्सेस डायमंड ओमेन्स के बीच में। ये मैच सुबह 8:30 में खेला जाएगा भाइयों, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी डिटेल शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से खिलाड़ी कितने नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगी, क्या बैटिंग ऑर्डर रहा है इनके, दोस्तों स्टैट्स क्या है, पुराने रिकास्ट यहाँ पे T10 फॉर्मेट में पुराने स्टैट्स क्या है, सारी डिटेल्स बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के साथ मैं आपको शेयर करूँगा, और इस मैच के अंदर बेहतर से बेहतर टीम बनाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा भाइयों, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बेहतरीन टीम नॉलेज के साथ बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना भाइयों, आपका एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा ना, आने वाले मैचेस में वीडियो जैसे ही अपलोड होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो जितने भी अपलोड होते हैं ना, आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आपको फाइनल टीम। देखो, अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, लेकिन हो सकता है एक से दो प्लेयर आफ्टर टॉस चेंज हो, तो ऐसा स्थिति में आपको फाइनल टीम यहीं पे शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉस का अपडेट, प्लेइंग 11, साथ ही साथ फाइनल टीम आपको शेयर कर दिए जाएंगे। कैसे ज्वाइन कर पाओगे, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक बार आपको ज्वाइन हो जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब डिटेल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। मैच सुबह 8:30 में खेला जाएगा, क्रिकेट एसोसिएशन पुंडिचेरी सिंचिम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं। यहाँ का पिच कंडीशन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 100 रन के आसपास स्कोर बनते हैं इस ग्राउंड पे, और बहुत अच्छा मैच रहा तब 120 के आसपास मिलेगा, ठीक है, स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक देखोगे तो 80 के अराउंड रहा है स्कोर, तो ये अभी तक मतलब पिच बिहेवियर देखोगे, अभी जो सीरीज चल रहा है इसमें काफ़ी लो स्कोर हो सकते हैं इस ग्राउंड पे, जैसे कि अभी तक आज दो मैचेस जैसे कि खेला गया था, कल के जो दो मैचेस हुए हैं जिसमें 83 का टारगेट मिला एंजल ओमेन्स की टीम ने दिया था, जो कि क्वींस ओमेन्स की टीम को चेज नहीं कर पाएँ, 62 तक ही बना पाएँ। सेकेंड मैच में अगर देखोगे दोस्तों तो 76 का टारगेट इनको इन्होंने दिया था, जो कि इनके ओपनर्स ने 60 रन तक ही चेस कर पाए थे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी टीम टॉस जीतेगा ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मैचेस में, कल में देखोगे दोस्तों तो दोनों के दोनों मैचेस यहाँ पर जीते हैं पहले बैटिंग करने वाले टीम ने, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस ग्राउंड पर, मतलब डिफेंड करना यहाँ उतना आसान है नहीं। चलिए अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एंजल ओमेन्स का रिकॉर्ड, जो कि एक मैचेस खेल चुका है, 83 का टारगेट दिया, 62 तक ही चेस कर पाया, मैंने जस्ट ऊपर आपको हमने बताया है। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो युवाश्री कार्थियन जो कि टीम के कैप्टन है, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन है, ओपन किया लास्ट मैच के अंदर, 33 रन स्कोर की है, 2 ओवर का गेंदबाजी में 1 विकेट निकाली है। इनके पुराने स्टेट्स भी देखोगे तो 6 मैच के अंदर 63 रन प्लस 2 विकेट है, तो इनको तो ट्राई करना है। इनके साथ तमन्ना निगम ओपन करने के लिए आती है, राइट हैंड बैट्समैन प्लस राइट आर्म फास्टर गेंदबाज, पहले मैच के अंदर 21 रन, फिर 2 ओवर का गेंदबाजी में 2 विकेट निकाली है। ये दोस्तों इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं, मतलब इनका रिकॉर्ड पुराना स्टेट्स उतना बेहतर था नहीं, ठीक है, लेकिन इस सीरीज के अंदर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो इनको ट्राई करना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा। और इनको मैंने ट्राई भी किया हुआ था दोस्तों, इनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था, मतलब इनके जो स्टेट्स देखा मैंने आपको बताया था, जो कि टीम में इनको लिया हुआ था लास्ट मैच में, इनका अचानक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपडेट किया था, जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी हम लोगों ने लिया हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तमन्ना निगम, जो कि आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने इनको ट्राई किया हुआ था दोस्तों कैप्टनसी के लिए भी। क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ना आपको फाइनल टीम अपडेट कर दिए जाते हैं, कोई भी चेंजेस होता है तो यहाँ पर टीम तो आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर तमन्ना निगम को जो अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कैप्टनसी के लिए ट्राई किया हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बेहतर ऑप्शन है, स्टेट्स उतना अच्छा था नहीं, लेकिन ये दोस्तों अपडेट आया कि ये ओपन करते आपको दिखेंगे, और बॉलर्स कम थे इस मैच के अंदर, इसी वजह से मैंने इनको डायरेक्ट कैप्टनसी के लिए सिलेक्ट किया हुआ था। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, शिवी पांडे फर्स्ट राउंड पर खेलने के लिए आए थे, 10 रन स्कोर किया हुआ है। यहाँ पे शैली एलोंडर का रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों, ये 15 रन बनाए थे, कोई विकेट्स मिला नहीं, 6 मैच के अंदर 25 रन है, बाकी ये 6 मैच के अंदर एक विकेट है इनके नाम दोस्तों, लीला 6 मैच के अंदर 2 रन बना के 6 विकेट्स। निशा को अवॉइड करेंगे, धान्या एक ओवर का बॉलिंग में 1 विकेट निकाली दोस्तों, बाकी दिव्या यहाँ पे मोहन राज इनको अवॉइड करेंगे दोस्तों,
अर्थिका को ड्रॉप करेंगे, बेटा इनको ड्रॉप करने वाले। अब देखो स्टार्टिंग और पे देखा जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे अभिरम मर, यहाँ पे रमामूर्त और यहाँ पे तमन्ना निगम, ये दो गेंदबाज स्टार्टिंग और पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी डेथ ओवर पे तमन्ना निगम और यहाँ पे दोस्तों अभिराम रमामूर्त, ये दो गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी देखो तीन चार प्लेयर हैं जो कि आपको बेंचेस में आज दिखेंगे। बाकी जितने भी स्टेट्स देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर आप सारे देख सकते हैं एंजल्स के। अब देखो यहाँ पे अगर डायमंड ओमेंस की टीम की तरफ से देखोगे, जो पहला मुकाबला खेला यहाँ पे विन किया है, दोनों मतलब काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है। दोनों ही टीम एक एक मैचेस अभी तक इस सीरीज के खेल चुके हैं, जिसमें दोनों मैच ने जीत हासिल किया हुआ है। कविशा जो कि टीम के ओपन करते राइट हैंड बैट्समैन ने 5 रन 2 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले, 7 मैच में 85 रन 4 विकेट है T10 फॉर्मेट में, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ईशा मावी ओपन करने के लिए आई थी, 10 रन स्कोर की है। पोनम का रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों तो ये पूनम खेमनार जो कि फर्स्ट राउंड पे खेलने के लिए आई थी, 37 रन स्कोर किया, 2 ओवर का गेंदबाजी में 3 विकेट्स निकाले, 6 मैच के अंदर 116 रन 4 विकेट। प्रियंका कौशल 1 रन बना के 2 विकेट्स निकाली है, 5 मैच के अंदर 28 रन 4 विकेट इनके T10 रिकॉर्ड है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अरुण देवी शेखर जो कि 6 मैच के अंदर 26 रन 1 विकेट इनका रिकॉर्ड है T10 में, इस सीरीज के अंदर 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आई थी, 6 रन बनाई है। अंकिता 4 नंबर पे खेलने के लिए आई थी, 13 रन स्कोर की है, बाकी T10 में 6 मैच के अंदर 8 रन 2 विकेट। शाइन 6 मैच इनको अवॉइड करेंगे दोस्तों, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। बाकी सुष्मिता एंथनी जो कि 2 ओवर का गेंदबाजी में 1 विकेट निकाली है, T10 में 1 मैच के अंदर 1 विकेट है। बाकी गोकुल नंदिनी जो कि 1 ओवर का बॉलिंग फ्लॉप रही, 7 मैच के अंदर 7 विकेट निकाली है। वेधा 2 मैचेस खेली हुई दोस्तों, बाकी अवॉइड उतना अच्छा है नहीं, इनको अवॉइड करते हुए चलेंगे। गायत्री 1 ओवर का बॉलिंग में 1 विकेट। अब स्टार्टिंग ओवर पे देखा जाए तो यहाँ पे कविशा और यहाँ प्रियंका कौशल, ये दो गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए देखेंगे, और डेथ ओवर पे देखेंगे तो प्रियंका कौशल पूनम केमर, ये दो गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाली है। बाकी के जितने प्लेयर है दोस्तों आपको ये बेंचेस में दिखेंगी डायमंड ओमेंस की टीम की तरफ से भी, तो ये दोनों ही टीमों के सारे स्टैट्स आप देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर के साथ, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने है भाइयों। देखो उम्मीद करता हूँ ना काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलता होगा दोस्तों हमारे वीडियो से, तो वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है। चलिए आके टीम की ओर आगे बढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग चाहो ना दोस्तों तो आप खुद से भी टीम आप तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके हेल्प करने के लिए कॉम्बिनेशन तैयार किया हुआ है। चलिए टीम की ओर आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से, DIW के टीम की तरफ से रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, इनको ट्राई करेंगे दोस्तों। देखो एक चीज़ मैंने आपको बता दूँ, ठीक है, दोनों के दोनों बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, मतलब बहुत नीचे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, विकेट कीपरिंग करते ही अगर बैटिंग करते हुए दिखेंगे तो एसलेंसी के ज़्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी बैटिंग करते हुए दिखे, क्योंकि डायमंड सेवंस की टीम के अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये लगभग 4 से 5 नंबर मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए दिख सकती हैं, ये प्लेइंग 11 पे ये अपडेट है, ठीक है। बाकी बैटिंग से 5 बैट्समैन को लिया हुआ है, एंजल ओमेंस की टीम की तरफ से 2 प्लेयर हैं और डायमंड ओमेंस की टीम की तरफ से 3 प्लेयर, बाकी दो ही ऑलराउंडर को मैंने ट्राई किया हुआ है, दोनों के दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए देखेंगे। बॉलिंग से 3 बॉलर जिसमें से ये तीनों गेंदबाज बहुत तगड़ा है दोस्तों, आपको 2-2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी टीम प्रीव्यू आप देख सकते हो, जिसमें से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने इन दोनों को ट्राई किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भाइयों, इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है आपको। फिलहाल इस टीम को ना मतलब सेव कर लो दोस्तों और लाइनअप का वेट करना, अगर 1-2 प्लेयर चेंज भी होता है तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़े रहना है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।